नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज 50 यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमित कुमार। अभी हम लोग हैं दिनारा विधानसभा के दिनारा बाजार में संतो हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुन्ना जी और कॉलेज के प्रोफेसर हैं विश्वनाथ सिंह नाम है इनका, और ये बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और कॉलेज में अध्ययन का काम भी करते हैं। इन दोनों से हम लोग आज बात करेंगे विधान जो अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, संसद चुनाव, देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, उसके अप्रत्याशित परिणामों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों से सबसे पहले ये सवाल है कि पूरा देश जिस चुनाव परिणाम की संभावना व्यक्त कर रहा था उसके ठीक उल्टा एकदम अप्रत्याशित और जिसकी संभावना नहीं की जा सकती है वैसा चुनाव परिणाम आया है, इन चुनाव परिणामों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक भारत में प्रजातंत्र का सवाल है तो भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मूर्खों का शासन कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे भारतवर्ष में शिक्षा की कमी है, और जहाँ शिक्षा की कमी है वहाँ दूसरे देशों से वोट को अनिवार्य करना बड़ी जरूरी है। इसलिए कि 50% लोग ही वोट का प्रयोग करते हैं, 50% लोग वोट का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए वास्तविक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का सफल व्यवस्था का अति नहीं होता है। जिस तरह से 100% लोग वोट नहीं करते हैं, आधे पर ही परिणाम निकाल लिया जाता है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ अभी अर्थ युग है, और अर्थ युग में हमारे गरीब जनता और अशिक्षित जनता अर्थ के प्रभाव में आकर के और दूसरे के बहकावे में फंस जाती है, इसलिए यहाँ वोट को अनिवार्य करना जरूरी है। जिस तरह से बेल्जियम में मतदान नहीं करने वाले को 3 महीने की सजा या 3,000 रुपये आर्थिक दंड एवं सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाता है, उस तरह की व्यवस्था भारत में भी लागू किया जाए तो असली प्रजातंत्र का रूप भारत में दिखाई पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि हमारे अप्रत्याशित मतदान क्यों हुए। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी का लहर हमारे भारत के सबसे बुद्धिजीवी जगह केरल, जहाँ इन्होंने 0 पर आउट हुआ, जहाँ ये कभी सोचे भी नहीं होंगे कि मैं 0 पर आउट हूँगा, जहाँ सबसे भारत के बुद्धिजीवी सेल लोग रहते हैं, भारत का सबसे बुद्धिजीवी जगह है, मैं नरेंद्र मोदी से सवाल करना चाहता हूँ, मैं भाजपा के लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि वहाँ आपका लहर कहाँ गया जहाँ देश के सबसे बुद्धिजीवी लोग हैं। दूसरा स्टेट है आपका तमिलनाडु, जहाँ 22 सीट में से 1 सीट ही थी मोदी को मिला, वहाँ इनका लहर कहाँ गया और यहाँ उनका काम कहाँ गया और सबका विकास कहाँ गया। मैं पूछना चाहता हूँ पंजाब जैसे स्टेट जहाँ ये सोचे भी नहीं होंगे कि मैं आधे पर आऊँगा, वहाँ आधे पर आए, और वैसे जगह जहाँ लोग सोचे भी नहीं थे, उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे थे कि 80 में से 75 सीटें मैंने गठबंधन का आएगा, बिहार में 40 में से 30 सीट गठबंधन का आएगा, ये सब उल्टा हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा करता है, चाहे वो ईवीएम में पैदा हो या इनके पदाधिकारियों द्वारा गलतियां कराई गई हो, कहीं ना कहीं इसमें संदेह है। ये संदेह इसलिए कहा जाता है कि 1 माह पहले 3 विधानसभाओं का जो चुनाव हुआ था जिसमें भाजपा बुरी तरह से पराजित हुई थी, तो क्या हुए वहाँ से कुछ सबक सीखे और कुछ सतर्क हुए? इन्होंने पहाड़ियों में जाकर के क्या जो तपस्या के केदारनाथ के पहाड़ियों में, तो केदारनाथ की पहाड़ियों का जो फल मिला केवल वैसे स्टेट पर मिला जहाँ 100% जीती और जहाँ से हार गए वहाँ के लिए इनका ये तपस्या काम नहीं किया। तो मैं मिला जुला करके यही कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी हो, या लोग ऐसा अफवाह करते हैं कि जो 2014 के ईवीएम जो कलेक्टोरेट में कहीं ना कहीं रखे गए थे उनके माध्यम से कहीं ना कहीं इसमें संदेह व्यक्त है। ये हम ही नहीं बल्कि यहाँ के बहुत संख्यक लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अब सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि क्या भारतवर्ष में ये जो दल बदल नेता है इन पर आरोप लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जब चुनाव से 1 साल पहले अगर लोग दल बदल नहीं करते हैं तो उन पर आर्थिक रूप से प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि ये मेढक की तरह इधर से जनता हमारे असमंजस में पड़ जाती है कि मैं किसको चुनूं या किसको नहीं चुनूं। इसलिए दल बदल पर ही आरोप लगना चाहिए कि आप चुनाव के आधे समय के बाद जब दूसरे चुनाव का लहर आने लगे, यानी 1-2 साल पहले ही आप पार्टी बदल सकते हैं, चुनाव के ठीक 1 साल पहले आप पार्टी नहीं बदल सकते। अगर पार्टी बदलते हैं तो
तो आप पर आर्थिक और शारीरिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा। इस तरह के प्रावधान जब किए जाएंगे तो ही वास्तव में भारत में प्रजातंत्र का सफल प्रयोग होगा, अन्यथा प्रजातंत्र को मूर्खों का शासन कहा जाता रहेगा। और वास्तविकता है कि यह मूर्खों का शासन है, क्योंकि विपक्ष के लोगों का वोट अगर जोड़ दिया जाता है हारे हुए लोगों के साथ, तो जो जीत के प्रत्याशी होते हैं उनका मत कम हो जाता है, और मैं उनको हार में मानता हूँ। इसलिए वो जीत नहीं बल्कि यह एक छलावा है, और बुद्धिजीवी लोगों का छलावा है, इसको बदलना बहुत जरूरी है। तो मैं निष्कर्षता यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार अपना चाल सिद्ध की है, ये परिणामों से पता चलता है। मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि दल बदल निरोध कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। अगला सवाल आप डॉक्टर साहब से है। डॉक्टर साहब चूँकि राजद के अच्छे कार्यकर्ता भी हैं और इनसे पहले भी बात हुई थी, तो पहले के वार्ता में इन्होंने बताया था कि जगदानंद सिंह जी काफ़ी मतों के अंतर से निकलेंगे। इन्होंने संभावना व्यक्त किया था क्योंकि ये सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज से इनका अच्छा खासा रिश्ता है। यहाँ पे जो मरीज भी आते हैं उसके हिसाब से भी ये बात करते होंगे, तो इनको लग रहा होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि परिणाम जो है आपका, जो आपने जो संभावना व्यक्त किया था, उसके ठीक उल्टा क्यों हो गया? ऐसा बात नहीं है, आदमी के कई कारण होता है, और हम लोग जो संभावना व्यक्त किए थे परिणाम से निकलेंगे, और कहीं गड़बड़ी हो या पूरे भारत के अंदर ऐसे गड़बड़ी पहले से किया हो, या आर्थिक मतलब किसी को घर गरीबों पर पैसे देकर लोग खरीद लेना, ये भी एक गड़बड़ी हमारे समाज में, तो ऐसा किया है ये गलत तरीका है। और इस तरह जनता उनको वोट दिए हैं, उसको तो हम लोग स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। आपकी पार्टी का बिहार में खाता नहीं खुला, जीरो पे सिमट गई, तो आपको इसके लिए किसको जिम्मेदार होते हैं? कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो ही होगी आपकी पार्टी में भी, संगठन में भी आपकी गड़बड़ी होगी, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार? देखिए, जहाँ तक पार्टी का सवाल है, तो विधानसभा चुनाव में मोदी द्वारे 14 के लहर में अपने को कहते थे कि मैं भारत का विकास करने वाला हूँ। इनका मुद्दा था नोटबंदी, इनका मुद्दा था विदेशों से पैसा लेना, काला धन, इन सभी मुद्दों पर ये असफल रहे। इन्होंने विदेश से पैसा नहीं लाया और नोटबंदी से गरीबों को बेहाल कर दिया, इसलिए कि नोटबंदी के चलते जितने फैक्ट्रियां थी सबको हाथ खड़ा करना पड़ा, जिससे हमारे गरीब के लोग बाहर रहते थे वे घर आकर रहने लगे। तो जब 2014 के लहर में इन्होंने 370 धारा का मुद्दा दिखा करके और उन्होंने चुनाव जीता, उस समय बिहार में ये असफल रहे, इनकी पार्टी असफल रही। यहाँ तक कि इनका आधा पर भी नहीं सिमट पाए थे, इनका विपक्ष में रहने लायक भी नहीं हुए। ये कौन सा करिश्मा किए कि बिहार में आज इनका 100% बहुमत हो गया? ये कहीं ना कहीं राज रखता है, और हम लोग उतने पहुंचे नहीं हैं उनके राज को पकड़ लेंगे, लेकिन आज न कल इनका राज खुलेगा और ये जीत जो है इनका कहीं ना कहीं ये संभावना व्यक्त करता है कि इसमें कहीं ना कहीं दोष है। अच्छा, एक सवाल और ये है कि जो गठबंधन में सीट का बंटवारा हुआ और गठबंधन में जिन जिन पार्टियों को शामिल करने की बात हुई थी, बसपा के लोग आरोप लगाते हैं, बसपा जो कि नेशनल पार्टी है आप जानते हैं, उसका 0 से 14% लगभग वोट शेयर है हरेक राज्य में, तो बसपा के लोग जेडी राजद के लोगों पे खासकर आरोप लगाते हैं कि हमें गठबंधन में नकार दिया गया, अगर हमको गठबंधन में शामिल कर लिया गया होता तो दृश्य और परिणाम कुछ और होते। और यहाँ भी अगर देखा जाए तो बसपा का अच्छा खासा सीट वोट हुआ है, 80,000 करीब वोट है। तो आप मानते हैं कि बसपा को गठबंधन में शामिल न करना राजद के शीर्ष नेताओं की भूल थी? जहाँ तक देश के नीतियों का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश जी गठबंधन करके जब अपने को सफल नहीं कर पाए, तो मैं कैसे मानूं कि बिहार में सफल हो सकता है? कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा जो हमारे यहाँ प्रत्याशी खड़ा किया गया है बहुजन समाज पार्टी का, वह बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी नहीं है।
और जो बहुजन समाज पार्टी के सौजातीय प्रत्याशी जब नहीं है तो ये कहीं ना कहीं खरीदा हुआ प्रत्याशी है जो सवर्ण जातियों से आता है, और सवर्ण जातियों से आते हुए उन्होंने पैसे के बल पर हमारे वोट का बिखराव किया, और पैसे के बल पर ये अर्थ युग है। आपको भी पैसा देकर के बहुत से बड़े बड़े जब जज को आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जब बिक जाते हैं या आपके मीडिया वाले पेपरों में देते हैं तो हमारे निरीह जनता और निरीह मतदाता का क्या कहना है। तो मैं नहीं मानता हूं कि बसपा का प्रभाव है और बसपा को गठबंधन चला किया गया है जबकि सबका नीति एक है। सवाल ये उठता है कि ऊपर से ऐसे प्रतिनिधि पैसे वाले दिए जाते हैं जो खर्च करके और उनके वोट को बहका करके अपने पक्ष में करके हमको पराजित किया गया। गठबंधन से कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि सबका एक ही नीति है। हमारे यहाँ मायावती जी स्पष्ट कही थी कि भाजपा हराना है। हमारे देश में यह जो आरएसएस पार्टी है ये हमारे देश को एकता को कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पर, कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पर हमारे देश को एकता को समाप्त कर देती है। मान लीजिए आपके कंधे पर चादर है और आपके कंधे से एक एक सूत कट करके हम अलग कर दें, जिस दिन हमारे हिंदू और मुसलमान अलग हो जाएंगे हमारी एकता समाप्त हो जाएगी, तो हमारा भारत बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, और जिस दिन हमारा भारत कमजोर हो जाएगा उस दिन हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी तो बगल के राज्य के लोग, बगल के देश के लोग हमारे ऊपर कब्जा करेंगे, और ये मनवादी वाले लोग अंग्रेजों से कब्जा कराकर जिस तरह से हमारे दलित को तालाब में पानी नहीं पीने देते थे, हमारे दलित पर अत्याचार करते थे, उसी तरह से आज भी इन मनवादी विचारधारा के लोग हमारे साथ रहते हैं और ये चाहते हैं कि विदेशों से आक्रमण करा करके और फिर हम पहले जैसे मनवादी विचारधारा के तहत हम अपने दलित लोगों को पिछड़े लोगों पर कब्जा करें, उन पर शासन करें, ये लोगों की नीति है। लेकिन हमारी जो जनता है निरी है, कम पढ़ी लिखी है, उस बात को नहीं समझ पाती है। और यहाँ बहुजन के उम्मीदवार क्योंकि सौजातीय नहीं थे, ये सवर्ण जाति से आते हैं और वो पैसा लेकर के बहुजन के प्रत्याशी नहीं है बल्कि भाजपा के सोची समझ साजिश के तहत प्रत्याशी आते हैं, उन्होंने पैसे के जाल पर इस तरह के प्रत्याशी खड़ा करते हैं, इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि गठबंधन से कोई प्रभाव पड़ा है। बक्सर लोकसभा में तो स्वर्ण प्रत्याशी नहीं थे, वहां पे तो बीसी समाज के प्रत्याशी, बीसी समाज के प्रत्याशी हैं, लेकिन वे पैसे वाले हैं और पैसे के बल पर अपने देखिए हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मनवादी विचारधारा कोई जाति नहीं है, मनवादी विचारधारा एक मानसिकता होती है, और हमारे बीच में रह करके मैं नहीं मानता हूं कि रामविलास पासवान दलित परिवार के हैं, बल्कि उनका विचार मनवादी मानसिकता है जो दूसरे को हमेशा दबाता है। तो हमारे समाज में जाति में रहकर कहीं मनवादी लोग पैदा होते हैं जो दूसरे से पैसा लेकर के और हमारे वोट बांटने का काम करते हैं, बैसाखी का काम करते हैं, हम पहराने का काम करते हैं, इसलिए वो दलित और पिछड़े परिवार के नहीं थे बल्कि वो मनवादी परिवार के थे। ईवीएम पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, तो कई इंजीनियरों ने दावा भी किया है और कई हैकरों ने दावा भी किया है कि ईवीएम को बिना ऑन ऑफ किए जो उसका डेटा है किसी दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में बदला जा सकता है। तो ऐसे में आप लोग विपक्षी दल से हैं, तो आपकी क्या अगली रणनीति क्या है ईवीएम के खिलाफ और अगले विधानसभा चुनाव के लिए क्या है? देखिए जहाँ तक चुनाव घोषणा से पहले हमारे नेताओं ने मांग किया था कि वीवीपैट से मत को मिला लिया जाए, लेकिन ये निर्वाचन आयोग सोची समझी साजिश के तहत आया, जैसे हो मैं निर्वाचन आयोग पर तो उंगली नहीं उठा सकता हूँ इसलिए कि वह एक स्वतंत्र संस्था है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब वीवीपैट से वोट मिलाने की बात चल रही है तो वीवीपैट से वोट मिला लिया जाता तो उस समय पता चलता कि ये मशीनरी गड़बड़ियाँ हो सकते हैं, इतने तो हम लोग इसके दक्ष नहीं हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि बटन कहीं और दबाया जाएगा तो उसका निशाना कहीं और जाएगा, जैसे महाभारत में अर्जुन द्रौपदी के चीरहरण में मछली के आँख में बेच देते थे और मछली कहाँ थी ऊपर और देखते थे पानी तेल में, तो तेल की छाया की मछली में आँख बेधे और मछली ऊपर उसका आँख बिधा गया, तो उसी तरह से बटन कहीं दबाइएगा और उसका निशाना कहीं और जाएगा। तो हम लोग इतने विशेषज्ञ नहीं, पर जरूर पता चलता है कि यहाँ जहाँ करीब करीब 90% लोग एक कमजोर तबके से एक गरीब तबके से आते हैं चाहे वो किसी भी जाति में हो, और 90% लोगों का मत है कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम
जो है धर्म या मंदिर मस्जिद के द्वारा लोगों को ठगा जा रहा है, हमारी एकता को कमजोर किया जा रहा है। हमको एक सशक्त एक मजबूत सरकार चाहिए और सभी लोगों के इच्छा के विरुद्ध भाजपा के लोगों के द्वारा जीत गया है, ये कहीं ना कहीं आश्चर्य लगता है और कहीं ना कहीं बीएम में गड़बड़ी है, इसको मैं भी मानता हूँ। डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस चुनाव के सिमट गई है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल की रणनीति क्या रहेगा? हम लोग हारे हैं, हौसला कमजोर नहीं है, हम लोग विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और जीतेंगे। यहाँ दिनारा विधानसभा में क्या उम्मीद है आपके पास, कुछ आकलन बता सकते हैं? दिनारा विधानसभा जीतेंगे हम, एक और मतलब लोकसभा नहीं है विधानसभा है, और विधानसभा में जीते हैं काफ़ी से और अभी वर्तमान जीता है हम लोग नाम और गर्व से जीते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, आप देख रहे हैं आवाज़ 85 और मैं अमित, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।